एग्जाम्पल 33 देखते हैं, दैट इज माइनस 1 to 1 साइन 5 साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 4x। तो ये फंक्शन देखने से ही आपको पता लगेगा, जैसे ही आप चेक करेंगे तो ये फंक्शन हमारा ऑड निकलेगा। तो क्योंकि एफ एक्स हमारा जो है दैट इज साइन टू द पावर 5x कॉस टू द पावर 4x। तो जैसे ही x की जगह माइनस x रखेंगे ये हमारा हो जाएगा साइन टू द पावर 5 ऑफ साइन टू द पावर 5 ऑफ माइनस एक्स और ये हमारा कॉस टू द पावर 4 ऑफ माइनस एक्स। तो ये तो पावर इवन है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा एंड पावर इज ऑड, तो ये हमारा माइनस ऑफ एफ एक्स हमें दे देगा। देयरफॉर इस इंटीग्रल की जो हमारी वैल्यू होगी दैट विल बी जीरो। फिर इसके बाद देखते हैं एग्जाम्पल 34। तो एग्जाम्पल 34 में हमें 0 to a एफ एक्स डी एक्स वाली प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। तो i इक्वल टू 0 to π/2 दिस इज साइन टू द पावर 4 ऑफ π/2 माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स जो p4 मैंने बताई थी 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम इसमें यूज करेंगे। तो साइन टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स, इसी तरह नीचे भी हम लिखेंगे π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस टू द पावर 4 π/2 माइनस एक्स। अब साइन 90 माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है तो सीधे सीधे ये कॉस टू द पावर 4x dx बचेगा 0 to π/2 और नीचे हमारा आ जाएगा कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x। अब आप ध्यान से देखें तो पहली और दूसरी को अगर हमने ऐड किया तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 0 to π/2 और ये देखिए डिनोमिनेटर हमारा सेम है इसमें तो ये हमारा न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वही डिनोमिनेटर है तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। फिर 1 का इंटीग्रल क्या होगा हमारे पास एक्स डी एक्स हो जाएगा तो 0 to π/2 हमने लिमिट लगा दी तो 2i इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज π/2 तो i की वैल्यू हमारे पास π/4 आ जाएगी। इस तरह से हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उस पे बेस्ड हमने ये प्रॉब्लम की है। ओके तो इवन ऑड वाली फंक्शन वाली एक तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली हो गई और एक ये प्रॉपर्टी जिसमें हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी यूज होती है दैट इज ये हमारी p4 है और ये हमारी जो है बुक के हिसाब से p7 का फर्स्ट पार्ट इसमें इस्तेमाल हो जाएगा सेकेंड पार्ट p4 का इसमें यूज हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट ऑड फंक्शन के ऊपर है और फर्स्ट पार्ट जो है हमारा इवन फंक्शन के ऊपर।